बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों साथियों, प्रोग्राम माय वॉइस में डॉक्टर शिविर चौधरी आपको वेलकम करता है और आप सबको गुड इवनिंग एज वेल। आज मेरे मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब, कहीं पर तशरीफ़ ला चुके हैं, इनका तल्लुक पाकिस्तान से है और फ्रेंड्स ऑफ जम्मू कश्मीर के ये प्रेजिडेंट हैं। इसके अलावा साउथ एशिया बाज लंडन के कन्वीनर हैं। प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब, वेलकम टू माई शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा जनाब, आपके जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है काफ़ी हंगामा खेज रही है और ख़ास तौर पर जो सेनेट के इलेक्शन होते हैं उसमें तो अभ्यर्थी को गर्मा गर्मी हो जाती है। तो आपके जो ऑक्सफोर्ड के तालीम याफ्ता और स्मार्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको सादुक अमीन का लकब भी दिया गया है, वो कुछ लोग ये कहते हैं कि इज़ मास्टर ऑफ़ यू टर्न, कुछ कहते हैं मास्टर ऑफ़ मैनिपुलेशन, तो एक लिहाज से यानी उनकी शिकस्त हुई है फीस ये शेख की जो शिकस्त है वो इस तरह तस्वर किया जा रहा है कि ये जैसे कि इमरान खान की शिकस्त है। आप इसको क्या कहते हैं, आपको कैसे देखते हैं इसको? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं इसको मौजूदा हुकूमत की या इमरान खान की हुकूमत की शिकस्त तो देखता हूँ और मैं उसको उसकी नाकामियों की शिकस्त तो देखता हूँ, लेकिन मैं इस इवेंट को बतौर ख़ास इस तरह से नहीं देख रहा जैसे दूसरे देख रहे हैं या जैसे शायद आप ही देख रहे हो। मैं इसको इस तरह से जोड़ता हूँ कि अगर आप देखें तो हफीज शेख की शिकस्त से बज़ाहिर इमरान खान इतने अफसरदा नज़र नहीं आते, गो कि उनकी हुकूमत को खुद भी धचका लग चुका है लेकिन वो अफसरदा नज़र नहीं आते। अगर आप इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो वो ये है कि सुनने में आ रहा है कि जो 7 वोट या 8 वोट रिजेक्ट हुए, 7 गालिबन या 8 8 शायद रिजेक्ट हुए, तो वो उनमें इमरान खान का अपना वोट भी शामिल था। तो बकौल इमरान खान के वो तो प्रेशर में खेलने के आदी हैं और वो तो क्रिकेट के जरिए तूफान भी मुल्क में लेकर आते हैं और मार्शी से काम भी लाते हैं वो क्रिकेट के, वो एक वर्ल्ड कप से वो जो 92 में जीता था, तो उसको अगर देखा है तो वो प्रेशर में आने वाले तो नहीं है। तो फिर यह गलती उनसे क्यों कर हुई कि उनका अपना वोट रिजेक्ट हो गया। जिन 4 लोगों के वोट रिजेक्ट हुए उनमें जो एक है उनके वजीर हैं वो जो बहुत कहते थे कि अल्लाह को जान देनी है, एक वो थे, एक जरताज गुल है और एक इमरान खान है और एक फवाद चौधरी का भी नाम सुनने में आ रहा है। तो आप सोचें कि ये 4 हुकूमती वोट मुस्तरद होना ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। और अगर आप इसको थोड़ा सा पुराना पीछे जोड़ें वो ये है कि गिलानी साहब के, यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे की जो वीडियो वायरल हुई थी कि जिसमें वो 4 MPs कह रहे थे कि हमारे साथ 3 MPs और भी हैं, 3 वोट और भी हैं जो जो कि आप हमें सिखाएं वोट जाया करने का तरीका, वो भी जाया करना चाह रहे हैं। तो सवाल उठता है कि कहीं वो यही वोट तो नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कहा है 4 हमारे और 4 मजीद वोट। तो फिर आप क्या तो अगर 4 उन MNAs के वोट मिलाएं जो लोग आए थे गिलानी के बेटे के पास और 4 वोट इमरान खान, जरताज गुल, फवाद चौधरी और वो जो दूसरे हैं, तो लगता ऐसा है कि ये गोया ये है। अब आप सवाल इस पे उठा सकते हैं, हाँ मुझसे पूछ सकते हैं कि इमरान खान ऐसा क्यों चाहेगा या इमरान गवर्नमेंट ऐसा क्यों चाहेगी, तो फिर मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। यही बात है ना, आप ये कह रहे हैं कि अगर तो या तो ये नहीं भी ये, वैसे तो अगर गिलानी साहब का बेटा ना कहता तब भी लोगों को पता है कि वोट को कैसे खराब किया जाता, ये तो कोई ऐसी नई बात नहीं है ना। फिर इन्हें आप क्या कहना चाहते हैं कि जानबूझकर इमरान खान ने ये गेम खेली है? डॉक्टर साहब, इमरान जो है तो अगर आप देखें तो वो लाने वाली तो एस्टेब्लिशमेंट है लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों के बहुत खिलाफ जा रहा है शुरू से ही। अगर आप पहले से ही देखें तो फौज के खिलाफ बयान देना मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम पे और ISI के खिलाफ बयान देना कि तालिबान को हमने ऐसा किया, ट्रेन किया, ये किया, वो किया और हमने ये यूज किया, वैसा यूज किया, अमेरिका तक में जाके, न्यूयॉर्क तक में। नहीं नहीं, उसने तालिबान का नहीं कहा था, तो उसने तो अलकायदा का भी जिक्र किया था अमेरिका में कि उसको भी हमने ट्रेन किया, ठीक है। तो लेकिन उसने उसका तो ये ना इमरान साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो तो जापान जर्मनी को भी इकट्ठा कर देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं जब नोट्स नहीं होते। वो डॉक्टर साहब वो तो उनकी कम इल्मी ना इल्मी अपनी जगह पे या शायद है, आप उसको थोड़ा सा उसको मार्जिन दे तो इसलिए पफटंग भी कह दें, लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि
इमरान की इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ पॉलिसियां किसी से ढकी छुपी नहीं है। शायद उसने ये देख लिया था कि इस्टेब्लिशमेंट में पीपल्स पार्टी के साथ जो गेंद खेली, जो नवाज शरीफ के साथ खेली, तो शायद वो उनका तीसरा हदफ होगा। तो मुमकिन तौर पर उसने, और फिर एक स्टेज पे आके उसने ये भी चैलेंज किया इस्टेब्लिशमेंट को कि मेरे अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये सब कड़ियां आप सोचें तो कहीं जाती दिखाई दे रही हैं। अब आते हैं इस बात की तरफ कि उन्होंने हफीज शेख को मुबैया तौर पर अगर मतलब है कि फेल करवाया तो क्यों करवाया। तो उसके पीछे ये बात इमरान को भी पता है कि पाकिस्तानी अवाम गुर्बत, भूख, नंग धड़ंग से तड़प रहे हैं, मतलब कि बहुत मुश्किल हालात में हैं, और उसकी हुकूमत को बिल्कुल पसंद नहीं किया जा रहा किसी लिहाज से भी। और ये सब किया धारा जो है तो हफीज शेख की ही मार्शी पॉलिसियों का नतीजा है। गो के एस्टेब्लिशमेंट हर सूरत में हफीज शेख को कामयाब कराना चाह रही थी, जबकि इमरान खान पे ये बात रोज रोशन की तरह आया थी कि हफीज शेख ही इसकी गौर हुकूमत की तबाही के और इस स्टेज पे पहुंचाने के एक मेन कलीदी किरदार हैं। और ये बात, और फिर आप देखें कि जो उन्होंने वोट खराब होने पे जो मतलब है कि बुरे रवैये का मुजाहरा किया, वो भी ऑन रिकॉर्ड है सबके ऊपर कि क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है, एक बात ये आती है, देखिए आप ये सारी दुनिया ये कह रही है कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान एक पेज पर थे, इमरान को लाने वाले भी वही थे, वही डायरेक्शन दे रहे थे। आप कह रहे हैं कि नहीं, इमरान खान जो है ना एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसियों पर अमल कर रहे हैं, और उनमें से एक शेख साहब को रवाने की भी वजह एक ये थी, आप ये कह रहे हैं ना? डॉक्टर साहब, अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसियां ना कहें ना, तो कम अज कम ये कहें कि इस वक्त वो एस्टेब्लिशमेंट की मजबूरियों से भरपूर फायदा उठा रहे हैं। वो तो खैर इमरान उठा रहा होगा, वैसे कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं भरपूर फायदा उठा रहे हैं। अगर आप देखें एस्टेब्लिशमेंट के पास इस वक्त कौन सा रास्ता रह गया है, अगर आप गौर करें तो नवाज शरीफ ने उनको ऑलरेडी चेकमेट किया हुआ है। उनको बाय नेम लेके, उन्होंने आर्मी चीफ और आईसीआई चीफ का नाम लेके पब्लिकली लंदन में बैठ के उन्होंने जो कहा है वो रिकॉर्ड पे है। तो आपके और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो चेकमेट कर दी गई है, नवाज शरीफ ने उनको चेकमेट कर दिया। तो नवाज शरीफ ने तो उसको किया था, अब वो जिसको लेकर आए थे उसका भी उनके पास कोई हल बजायर नजर नहीं आ रहा। अब देखिए एक सवाल करने की इजाजत दें ना जनाब, आप कहते हैं कि वो गुस्से में नहीं थे या अफसरदा नहीं थे, लेकिन कल जो उन्होंने तकरीर किया, कौम से खताब फरमाया है, उसमें तो वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे, बड़े गुस्से में थे, तो उसका इजहार भी हो रहा था कि उनको मायूसी हुई है। डॉक्टर साहब, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए फर्ज माल मान लेते हैं कि ये ऐसा ही था और उन्होंने जानबूझ के वोट खराब करवाए, अगर आप देखें तो 8 वोट अगर खराब हो गए और 5 का फर्क था, तो अगर ये 8 वोट खराब ना होते तो 3 के मार्जिन से तो हफीज शेख फिर भी जीत सकते थे, बाउंड्री लाइन में जीतते 3 के मार्जिन से, लेकिन जीत सकते थे। अगर ये 8 वोट जाया ना होते और हफीज शेख को मिल जाते तो जो 5 की लीड थी यूसुफ रजा गिलानी की, तो वो तो आपका आपका मौकफ यह है कि इमरान खान ने जानबूझकर गेम खेली है और हफीज शेख को शिकस्त दिलाई है ताकि इन्हें दूसरे नुस्खों में पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि हफीज साहब या शेख साहब जीत जाएं, इमरान खान ने उनकी पॉलिसी को नाकाम कर दिया, आप ये कहना चाहते हैं ना? देखिए डॉक्टर साहब, एक बात तो रोज रोशन की तरह मतलब आया है, सब लोगों को पता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने हफीज शेख को जिताने के लिए भरपूर जोर लगाया, और उसका सबूत सब सभी एनालिस्ट के तजियात देख लें या जो है तो आप मतलब ये बात किसी ढकी छुपी नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट ने बतौर खास उस रात बहुत जोर लगाया, हर तरीके से जोर लगाया। सभी लोग कह रहे हैं, अभी जावेद लतीफ साहब कह रहे थे, चौधरी जावेद लतीफ, और इसके अलावा बहुत से और MLAs MPs भी कह रहे हैं। इस पर बहुत सी मुख्तलिफ राय है, मैं अभी भी कुछ लोगों की राय सुनकर आया हूँ, जिसमें तरत हसैन साहब भी हैं, उनकी राय आपसे मुख्तलिफ है, यानी भाई आपका अपना व्यू है, दूसरे लोगों का अपना व्यू है। अच्छा मुझे ये बताएं कि मतलब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पीरनी साहब ने भी, साहिबा ने भी बड़ी दुआ की है, लेकिन इस बार वो भी दुआ कबूल नहीं हुई, और आई डोंट नो, मुझे मैं इसको कुछ तबसरा नहीं करना चाहता। अच्छा मुझे ये बताएं कि फ्रस्ट्रेशन तो इमरान खान की ये भी थी कि देखें इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़े, मसलन उसी इलेक्शन कमीशन में उसी हल्के से जो उनकी उम्मीदवार हैं, क्या नाम था उनको, फौजिया गालबन, तो वो जीत गई हैं, तो वो कबूल है, ठीक है, उसी जगह से हफीज साहब आ गए हैं
वो कहते हैं कि ये नाइंसाफी हो गई है, जुल्म हो गया, और इलेक्शन कमीशन ने सही काम नहीं किया, तो ये क्या, ये खुला तजाद नहीं है? तो वो डॉक्टर साहब आपने सुना है ना कि मीठा मीठा और कड़वा कड़वा, तो बहरहाल कड़वे और मीठे का फर्क होता है ना, जो देखिए मीठा ये होता है वो सुनो, एक्सेप्टेबल होता है, कड़वा एक्सेप्टेबल नहीं होता। इलेक्शन कमीशन का मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि देखिए, कोई ऐसा अदारा मुझे बताए पाकिस्तान का जिसको इमरान खान ने बदनाम ना किया हो, जिस पर इल्ज़ाम ना लगाए हों, कोई सियासतदान ऐसा बता दें, कोई इवन अदलिया को भी उसने इल्ज़ाम लगाए, कोई आदमी है जिसको उसने बख्शा हो? असल में डॉक्टर साहब ये तो इस हुकूमत की और इमरान खान की बतौर खास एक एक खासा है कि उन्होंने मुल्क के अंदर जो जिसको क्या कहना चाहिए, एक एक, एक नए तरीके के करप्शन लेकर आए हैं, यानी बद तहजीबी की, बदतमीजी की, जो कि हर हर लेवल पे आप देखें। जो मैंने पहले भी बात आपको शायद बताई थी कि अब एक शख्स मुंह पे हाथ फेर फेर के तो वो चैलेंज करता है अपोजिशन को, एज ए तो वजीर क्या आजम, वो ये अपोजिशन, ये वजीर अजम के शायन निशान लगती है ये बात मौला जट एक करे वजीर तो अजम कोई को ये बात, जेब देता है कि वो ये बातें करे? मौला जट करे तो कोई बात होता, और बात है वजीर आजम ऐसे करे तो वो बात नहीं लगती सही। तो मैं आपको यही बात बता रहा था कि एक वजीर अजम के शायन निशान ये नहीं होता कि वो जो है स्टेज पे खड़े होके पब्लिकली और मुंह पे हाथ फेर के इस तरह की, मतलब जैसे गली मोहल्ले के लोग करते हैं, वो हरकतें करे अच्छा और यहाँ फिर एक बात हो रहा आती है, नकले उतारे, नकले भी देखिए, ये भी अपोजिशन हाँ, ये वजीर आजम को ये सूट करता है। अपोजिशन लीडरों की नकले उतारे, जिनको वो खुद कहता है कि अभी ये बच्चे हैं और अभी नए हैं सियासत में, और फिर उनकी नकले बच्चों की तरह से उतारे, क्या ये मुनासिब रवैया है? और किसी को नानी और किसी को दादी कहना, जबकि खुद वो भी अगर वक्त पर शादी करते तो शायद अब परदादा होते या परनाना होते। लेकिन जिससे शादी की है तो वो तो नानी है ना, क्या बात करते हैं? बाहर लिए तो मैं नहीं कह सकता हूँ। अच्छा तो क्योंकि वापस आते सारी हैं। दुनिया जानती है। अच्छा चलिए मुझे ये बताएं, मतलब आप कहते हैं ना, एक आप तो ये कहते हैं कि वो एक पेज पर नहीं है, जैसे ही उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ी है, कल नतीजा आया तो उसके बाद फौरन पहले मुलाकात उसने किससे की? जनरल बाजवा साहब और ISI के चीफ के साथ मुलाकात की, ठीक है, तो फिर उसके बाद फौरन ऐलान कर दिया है जी मैं इतमाद का वोट लेने जा रहा हूँ। तो इस नजर तो ये आता है ना कि कुछ अंडरस्टैंडिंग है उनके दरमियान। डॉक्टर साहब देखें, पेज पे एक पेज पे ना होने के बावजूद भी कुछ होते हैं ना पॉइंट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, एक दूसरे के लिए इनेविटेबल होते हैं कुछ लोग, कुछ हालात, तो वो उनको उसी तरह से फिर परफॉर्म करना पड़ता है। अगर ये अगर खुल के कह देंगे तो वो तो घर जाएंगे सीधे सीधे। तो अभी तो ये तो मतलब है कि चूहे बिल्ली का खेल जारी है। और जो बाकी आपने बात की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेने की, तो उस पर भी अब बात की जा सकती है। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है, जैसे मैंने आपको पहले कहा डॉक्टर साहब, और सॉरी उससे पहले मैं एक बात करनी चाहूंगा आपको, कि जैसे मैंने आपको कहा कि एक तरफ नवाज शरीफ ने चेकमेट किया, दूसरी तरफ इमरान खान स्टैब्लिशमेंट की मजबूरियों से खेल रहा है, तीसरी तरफ जरदारी साहब अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं, तो इस वक्त स्टैब्लिशमेंट मेरे हिसाब से गो के स्टैब्लिशमेंट फिर भी स्टैब्लिशमेंट होती है, उसके अख्तियार लामहदूद होते हैं मुल्क के अंदर और वसाइल भी बहुत ज्यादा होते हैं उनके पास, तो वो फिर भी कमजोर कभी भी नहीं पड़ते, आखिर आखिर तक वो स्ट्रांग रहती है। लेकिन अगर आप देखा जाए तो अगर आप देखें गौर से तो उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन बचा नहीं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी वक्त भी अपोजिशन एस्टेब्लिशमेंट को इतना कठिन और मुश्किल वक्त नहीं था देखना पड़ा जो आज देखना पड़ रहा है। थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो रहा है, जो जो इंटरनेशनल सिनेरियो है उसकी वजह से मुमकिन है कि कुछ थोड़ा सा एज उनको मिल रहा हो, लेकिन मेरे हिसाब से इंटरनल सूरत हाल के लिहाज से एस्टेब्लिशमेंट काफी परेशान कुन हालात से गुजर रही है इस वक्त। आपके नज़दीक ये जो मुलाकात हुई है, ये कहते हैं, लोग कहते हैं कि तीन बड़ों की मीटिंग हुई है, तो इन तीन बड़ों की मीटिंग में क्या फैसला हुआ होगा, या क्या कोई उन्होंने मशवरा दिया होगा वज़ीर आज़म को? डॉक्टर साहब एक तो बात हुई होगी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे कि उसको पक्का करना है, क्योंकि शुरू में तो इमरान ने खुद नहीं था कहा, शुरू में तो शाह महमूद कुरैशी ने गालिबन ये बयान दिया था, और जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिसी स्टेटमेंट थी। तो हालांकि इंटरनल मैटर के लिहाज से देखा जाए तो ये बयान तो शेख रशीद की तरफ से आना चाहिए था, वजीर दाखला तो वो है ना। अच्छा मतलब अब देखिए, अब इत्माद का वोट लेने जा रहे हैं कल, वो ठीक है जी, जी
अच्छा, अब ओपोजिशन वाले कह रहे हैं कि शायद वो जाए नहीं, कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं जाने की, तो वोट जीत तो वो जाएंगे, इस ऐसे इमरान खान जीत जाएंगे, लेकिन उसकी एक अहमियत क्या रह जाएगी जब ओपोजिशन वाले कह रहे हैं कि हमें तो इसकी प्रोवाइड फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो डॉक्टर वोट साहब, पड़ा है। जी इसके मैं थोड़े से दूरस कुछ रिजल्ट देख रहा हूँ। अच्छा वो ये है कि डॉक्टर साहब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के आईन के आर्टिकल 91 क्लॉज 7 के तहत ये हक सदरे पाकिस्तान का बनता है कि वो, ये उसकी ज्यूरिसडिक्शन है कि वो वजीर आजम को कहे कि वो इत्माद का वोट ले, ना कि वजीर आजम का। ना के तो वजीर एक तरह खारजा, से देख, ना के वजीर खारजा, बात यह है कि वजीर खारजा ने कहा था ना कि बोलेगा, ठीक है चले, ऐलान। तो वो वजीर आजम चूंकि आप अपने तौर पे ले रहे हैं, तो वजीर आजम का हक नहीं बनता कि वो एतमाद का वोट खुद अपने तौर पे ले। तो एक लिहाज से देखें तो वो आईन की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं। अच्छा ठीक, आर्टिकल 91 क्लास 7 ये कहती है कि सदर मुमलिकत, सदर पाकिस्तान अगर ये समझे कि वजीर आजम पाकिस्तान को अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं रहा, अक्सरियती असेंबली मेंबर्स का एतमाद हासिल नहीं रहा, तो वो उनको कह सकते हैं कि वो ईवान से एतमाद का वोट लें। जबकि इमरान खान ने अपने तौर पे ये स्टेप उठा के आईन की खिलाफ वर्जी की है एक तरह से। अच्छा तो फिर दूसरा जो नो कॉन्फिडेंस का होता है वो ये होता है कि ईवान में, टोटल ईवान में आर्टिकल 95 क्लास 1 के तहत, आईन का आर्टिकल 91 क्लास 1 है, तो उसके तहत टोटल ईवान के 20% में से 20% असेंबली मेंबर मोशन लेकर आते हैं, तहरीक लेकर आते हैं, और वो तादाद बनती है 68 मेंबर्स की। तो 68 मेंबर्स जो है तो वो तहरीक टेबल करते हैं, और फिर उसके बाद जो है तो जब तहरीक टेबल हो जाए तो उसके लिए 172 करारदाद के लिए 172 की अक्सरियत दरकार होती है। जब वो हो जाए तो फिर 3 से 7 दिन के अंदर, एक बार रेजोल्यूशन पास होने के 3 दिन से पहले आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ले सकते। तीसरा दिन शुरू होने से लेके 7वें दिन के अंदर अंदर, यानी गोया 4 दिन के अंदर अंदर एतमाद का वोट लेना होता है, और वो मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक 172 ही नशिस्तें बनती हैं, जो जो जो, जो आईन के में दर्ज है और जो स्टैंडर्ड लीगल प्रोसीजर है उसके हिसाब से। तो ये जो किया जा रहा है ये सब कानून की, आईन की खिलाफ वर्जी है। और जो अपोजिशन नहीं जाएगी, क्योंकि अगर आपने बिलावल जरदारी का बयान सुना हो, बिलावल भुट्टो जरदारी का, तो उन्होंने कहा है कि नो कॉन्फिडेंस हम बताएंगे कि कब होगा या कब करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस नो कॉन्फिडेंस को किसी मरहले पे शायद चैलेंज किया जा सकता है कि ये मावराए आईन हुआ है और इसकी आईन में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। ठीक सर, चलिए ये आपका व्यू आ गया। तो मसलन नज़र ये आ रहा है कि जो जैसे कि जिस तरीके से ओपोजिशन जा रही है वो हो सकता है कल ना जाए असेंबली में, ठीक है। नज़र ये आ रहा है कि वो इस वक्त कौमी असेंबली में जाकर कुछ नहीं करना चाहते, शायद अगला मार्का जो है वो लड़ना चाहते हैं पंजाब में। आपका क्या ख्याल है? ये भी जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान से जाहिर है कि उन्होंने एक ऑप्शन ये शुरू किया हुआ है कि पंजाब के ऊपर उन्होंने करना है। लेकिन मुझे लगता ये है कि वो जैसे कहते हैं ना कि दिखा के सजी और मारते हैं कभी, तो अब कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता कि सूरत हाल किस रुख बैठेगी। और ये बात भी पक्की है कि ये बात ही पक्की है कि पंजाब असेंबली में चौधरी बरादरान के भी कुछ इरादे बदले हुए नजर आ रहे हैं, तो मुमकिन है कि वहां पे पंजाब में हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए। अगर पंजाब इनके हाथ से निकल जाता है तो फिर भी हुकूमत की बुनियादें हिल जाएंगी। नहीं, उसका चांस तो नजर आता है। अच्छा मसलन एक बात और मुझे जरा समझाएं कि भी एक तरफ तो ये कहा जाता है अभी ये मेरे चेयरमैन साहब हैं, पीटीआई के चेयरमैन भी हैं, वजीर आजम भी हैं,
साधो कमीन भी हैं, बहुत से अलकबात हैं उनके। तो एक तरफ तो यह है कि वो साफ सुथरे हैं, दूसरी तरफ यह है कि पिछले सेनेट के इंतखाबात में भी पीटीआई के लोग ही बिके थे, इस बार भी पीटीआई के लोग ही बिके, तो ये क्या मसला है आखिर भाई? कोई पीटीआई में कोई क्या कहते हैं भाई, खराबी तो नहीं इसमें, क्या कहते हैं भाई, जैसे मैं शेख रशीद के अल्फाज नहीं मैं यूज करना चाहता, लेकिन आप मेरा पता समझ गए ना। अब देखिए ना डॉक्टर साहब, कितनी अजीब बात है ना कि 2018 से 18 के आसपास इमरान खान ने कहा था कि मेरे पास वीडियो मौजूद है पैसे लेने देने की, और मैंने देते हुए पैसे देखा लेते हुए देखा हुआ है। तो ये तो वही लोग थे जिनको उन्होंने देखा था वीडियो में, जो अभी वीडियो पब्लिक हुई है, तो वो तो उसने पीटीआई में खुद शामिल कर ली है। तो इससे तो एक चीज समझ आती है कि गोया उन लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा था। ये मैसेज अपोजिशन के लिए नहीं था, बल्कि ये उस वक्त जो इमरान ने मैसेज दिया था कि पैसे लिए दिए जा रहे हैं, तो ये तो गोया उन लोगों के लिए था जो पैसे ले देते हुए जिनकी वीडियो बनाई गई और उनको ब्लैकमेल किया गया, और उसी को केपी में, उसी शख्सियत को केपी में वजीर कानून बनाया इमरान खान ने पीटीआई में। तो अगर ये सादिक और अमीन होते तो जिनकी वीडियो ये देख चुके हैं पैसे लेते देते हुए करोड़ों अरबों रुपए, तो उनको वीडियो देखने के बाद भी इन्होंने क्यों वजारत कानून का कलमदान थमा दिया और क्यों उनको जो है तो अपनी पार्टी में भी शामिल किया और उसमें लेकर आ गए, और फिर अब वो वीडियो एक्सपोज होने के बाद उनको फिर हटा दिया गया। तो लगता है ये तो सब हवा का हवा बिगड़ा हुआ है। तो फिर इसमें जिस माफिया की वो बात करते थे, चीनी, मतलब करप्शन जो है, करप्शन को खत्म करना इनका एजेंडा नहीं है, वरना उन लोगों को साथ रखने की जरूरत क्या थी? डॉक्टर साहब, करप्शन पहले भी थी, नो डाउट पहले भी करप्शन थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने उसको सरकारी सरपरस्ती में लेके सरकारी तौर पे तहफुज दिया है, आप ये कह सकते हैं। आप सोचें चीनी की रिपोर्ट का क्या बना, आटे दवाइयों का क्या बना। अच्छा, इसमें साथ एक बात और बताएं भाई, असल इमरान खान साहब एक तरफ तो साधु का मीन का लकब लेकर घूम रहे हैं, लेकिन फॉरेन फॉरेन फंडिंग केस जो है ना, सिर्फ मेरा एक मसला नहीं है, लाखों लोगों का, करोड़ लोगों का मसला है, अभी उस पर क्यों नहीं फैसला हो रहा? डॉक्टर साहब, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि इसमें तो बड़े बड़े लोगों के नाम आते हैं, और वाकई ये फॉरेन फंडिंग तो वही है जो खुद पीटीआई के अकबर एस बाबर लेकर गए थे कोर्ट्स में, और उसी बुनियाद पे चल रहा है, ये पोजीशन वाले तो नहीं लेकर गए। उनका अपना और आप देखिए, अपना अपना आदमी विद सबूत लेकर गया है, ठीक है जी। बिल्कुल आप देखिए ना, तो पीटीआई पे जितने भी इल्जाम लगे हैं, ज्यादातर बल्कि समझे कि 100% तक वो खुद पीटीआई के अंदर से ही आवाजें उठी हैं कि ये फ्रॉड, ये फ्रॉड। ये जो आपने अकबर एस बाबर की बात की, इसकी फॉरेन फंडिंग की, वो पीटीआई के मेंबर ही लेकर गए थे। जो सिंध में बात हुई 35 करोड़ रुपए की, जो असलम अबड़ो को टिकट बेचा गया, तो वो पीटीआई के लियाकत जतोई ने पीटीआई पे ही इल्जाम लगाया कि ये पीटीआई ने बेचा है पीटीआई के दूसरे मेंबर को। जो बलूचिस्तान में 70 करोड़ की बात हुई, तो वो जिस शख्सियत का जिक्र हो रहा था, उसको पहले पीटीआई ने टिकट दिया, फिर वापस ले लिया, फिर उसके मुकाबले में एक कमजोर सा उम्मीदवार खड़ा करके और उसको खुद ही उसको सरेंडर करवाया, बिठा दिया उसके मुकाबले में, और फिर उनको जितवा दिया। और इसी तरह से अगर आप मतलब कि जितने भी सारे स्कैंडल्स हैं वो अंदर से ही खुद निकल के आ रहे हैं सामने। अच्छा, इसमें अच्छा उसको छोड़ दें, ये बता रहे थे कि 20 मेंबर्स, असेंबली मेंबर्स इन्होंने पहले निकाले, 20 पहले निकाले, 16 जो है तो अभी इसमें आ गए, ये जो अभी वोट हुआ है सेनेट का, गिलानी, यूसुफ रजा गिलानी साहब का और हफीज साहब का, तो 16 वोट ये हो गए। अच्छा 20 वो गए, 16 ये गए, 36 हो गए। इसके अलावा आप देखिए पीटीआई के अपनी मेंबर हैं कितने, वो तो एक मुरब्बा है जिसमें एमक्यूएम भी शामिल है और पीएमएलक्यू भी शामिल है और बहुत सी इत्यादि और आजाद और मिला के, तो उसमें पीछे बचते ही कौन है। तो पीटीआई का किरदार आपके सामने नुमाया तौर पर आ जाता है कि पीटीआई में कौन से लोग हैं। लेकिन ठीक है, एक तरफ तो मैं आपसे इतफाक करता हूँ कि एक तरफ तो यह है कि इमरान खान के साथ बहुत सी जमातों का, इन्हीं दूसरे लफ्जों में ये एक अलायंस है, ठीक है, जिसकी वजह से वो वजीर आजम बने। लेकिन जो इमरान खान के माती हैं कहते हैं जी बेचारा अकेला इमरान साहब सब सबका मुकाबला करा। वो अकेला कैसे है? स्टैब्लिशमेंट उसके साथ है, अदलिया उसके साथ है, दूसरे इलेक्शन कमीशन भी उसके साथ था, वरना वो फैसला क्यों हो जाता है फॉरन फंडिंग केस का? तो सारी दुनिया उसके साथ है, जमातें दूसरी भी साथ हैं, फिर कहते हैं जी बेचारा अकेला है।
डॉक्टर साहब, आप तो माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस हैं इस पॉलिटिक्स की फील्ड में, और ये अकेला और माशाल्लाह और बेचारा और क्या कहते हैं उसको, इस किस्म के अलकाबात और ये बातें चीतें सब, ये तो आपको पता है कि ये एक प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा मुहिम होती है और इसी के तहत ये सब चल रहा है। आप सोचें कि इस वक्त जो है तो यानी सोशल मीडिया जिसको लोग कहते हैं, और सोशल मीडिया के लोग पाकिस्तान में इस तरह जेर असर हैं कि कभी टिकटॉक बनाते हुए ट्रेनों के नीचे आते हैं, और कभी यूट्यूब के ऊपर चक्रों में पड़ के, कभी फेसबुक फला फला, लेकिन वो इस प्रोपेगेंडा को नहीं समझ पाते कि जो उनके खिलाफ ही खुद खेला जा रहा है। क्या वो मार्केट में नहीं जाते? क्या उनको नहीं पता कि माशी तौर पे मुल्क को किस जगह तबाही के दाने पहुंचाया गया है? और क्या वो ये नहीं समझते कि खारजा पॉलिसी के लिहाज से देखिए मुल्क कहाँ पहुंच गया है? क्या वो देखते नहीं कि अमन अमान का क्या सूरत हाल किस जगह पहुंच गई है? तो मौजूदा हुकूमत तो मुल्क को उस जगह ले गई है जहां वो आने वाले 10 सालों में भी वापस उस पोजीशन पे नहीं आ सकता जो 2018 में था। आने वाले 10 साल तक वो नहीं आ सकता उस पोजीशन पे पाकिस्तान, जो 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 तबाही बर्बादी कर दी गई सिस्टम की। तो ये जो आपने बात की ना कि बेचारा और शेरी क्या कहते हैं, चौधरी हुआ अभी बेचारा, जो सर्टिफिकेट दिया गया ना बेचारा ये उसको, साधु हाँ, कर्मी जो कोर्ट से सर्टिफिकेट्स वगैरह मिल गए, अब शराफत का स्टैंडर्ड यही हो गया कि कोर्ट से सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। तो मतलब ये बताएं कि देखो साधु कमीर तो हम इसको एक मिनट के छोड़ देते कि पाकिस्तान जो है इस वक्त क्रॉस रोड पर नहीं खड़ा। डॉक्टर साहब, बतौर यानी मजमूई तौर पर पाकिस्तान जो है तो वो चूंकि नॉर्थ वेस्ट साउथ के संगम पे जंक्शन पे वाक़े है और न्यूक्लियर पावर है, उस तो स्ट्रेटेजिकली उसकी बहुत अहमियत है, खास तौर पे दुनिया की छठी बड़ी फौज और न्यूक्लियर पावर, टोटल शायद छठी न्यूक्लियर पावर, तो उस लिहाज से और फिर स्ट्रेटेजिकली इस अहम जंक्शन पे होना, तो पाकिस्तान की अहमियत ख़त्म इंटरनेशनली कभी भी नहीं होगी, वो तो रहेगी और उसी को यूटिलाइज किया जा रहा है, या वो एक किस्म स्ट्रेटेजिक का पोजीशन अपनी जगह बहुत अहमियत है, मैं मानता हूँ। मेरा मतलब ये था कि वो इस वक्त क्राइसिस में नहीं है, परेशानियों में नहीं गिरा हुआ पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, जहाँ पे क्राइसिस होते हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, ठीक तो क्राइसिस तो वो बेहिसाब है, जो हमने कई बार गिन चुके हैं, माशी क्राइसिस से लेके, मतलब है कि स्पेशली अगर आप मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के लिहाज से देखें तो वो तो हर तरह के क्राइसिस में घिरा हुआ है, लेकिन उस स्ट्रेटेजिक अहमियत की वजह से वो एक बार्गेन पोजीशन में है इंटरनेशनल पावर्स के साथ या दुनिया के साथ या दुनिया के ममालिक के साथ। लेकिन बदकिस्मती यह है कि उस बार्गेन पावर को कैश नहीं किया जाता, उसका भरपूर फायदा नहीं उठाया जाता, खुदगर्जियां की पट्टियां लोगों की आंखों पर बंधी हैं, वो टेम्परेरी थोड़े थोड़े फायदों के लिए डूब जाते हैं अपने अपने मफादात के चक्कर में, और मुल्क का या अवाम की तरक्की का कुछ ख्याल नहीं रखते, तो वरना तो पाकिस्तान की अहमियत अपनी जगह पे कायम है। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि टाइम जो है हमारा ख़त्म हो रहा है, मुझे ये बताएं कि आपके जो शेख साहब थे आर तो गए, ठीक है ना, हाफिज शेख साहब, अब वो क्या वो वापस भेज दिए जाएंगे या उनका फ्यूचर क्या होगा? ज्यादा चांसेस तो यही हैं कि ये शायद पिछली ही सीट पे चले जाएं, जो एडवाइजर थे एडवाइजर की सीट पे चले जाएं, क्योंकि जो पॉलिसियां उन्होंने शुरू की हैं, देखिए डॉक्टर साहब एक बात तो पक्की है कि ऐसे मोड़ पे कि जब मुल्क बुरानों में घिरा हुआ है और इनका आधा टर्म से ज्यादा गुजर चुका है, ना तो अपोजिशन कोई भी लेने को तैयार नहीं होगी, ना PPML है और ना पीपल्स पार्टी और या ना कोई और, तो जाहिर बात है कि इन्हीं को ये पीरियड पूरा करना होगा जैसे तैसे है, और उन पॉलिसियों को जारी करने के लिए जारी रखने के लिए हफीज शेख ही होंगे, क्योंकि वही वो इंजीनियर है जिसने वो मशीन बनाई है, तो ऑपरेटर उसको वही करेगा, उसके पास मैनुअल है यहाँ उसका। पर ये तजाद ये आ गया है कि आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इनकी पॉलिसियों की वजह से नाराज हैं, नाखुश हैं, क्योंकि पॉलिसियां जो हैं वो पाकिस्तान को तबाही के दाने पर ले आई हैं, तो फिर एज ए वजीर आजम उसको कैसे इजाजत देंगे कि वो कंटिन्यू करें, मजीद तबाही मजीद खराबी पैदा हो? तजाद नहीं है इसमें? उनके पास दूसरा ऑप्शन कौन सा बचता है? डॉक्टर साहब बात तो यही है जो इमरान खान ने बात की थी कि मेरे अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इमरान खान के तो पास भी ऑप्शन नहीं है? इमरान खान के पास तो वाकई कोई ऑप्शन नहीं है,
देखिए डॉक्टर साहब, प्रिंसिपल ही होना ये चाहिए था कि बजाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के, जो वजीर आजम का इख्तियार है ना, तो उसके हिसाब से उसको 58 आर्टिकल आइन का, जो आर्टिकल 58 है, उसके हिसाब से उसको असेंबली तोड़नी चाहिए थी। वो आइन का आर्टिकल 58 कहता है कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है कि वो बजाय आर्टिकल 91(7) को इन्वोक करने की बजाय 58 के तहत वो असेंबली डिसॉल्व कर दे और नए इलेक्शन हो जाए। लेकिन उस सूरत में, जैसे भी आपने फ्यूचर की बात की, इमरान को अपना फ्यूचर तारीख की तारीख नजर आ रहा है। अलबत्ता जो उसके मुंह से बात निकली तकरीर के दौरान लास्ट टाइम, तो वो एजिटेशन है। एजिटेशन का मतलब ये है अनार्की, जिसको कहते हैं आप ये कह लें इस स्टेज की, क्योंकि अगर नेक्स्ट इलेक्शन होता है तो पीटीआई के चांसेस तो बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि पीटीआई के मेजोरिटी जो 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 कैंडिडेट्स होंगे वो अपनी जमानतें भी जब्त करा देंगे, ये पक्की है। ये धमकी, चूंकि टाइम खत्म हो रहा है, ये धमकी किसको दे रहा था? वो अपोजिशन को दे रहा था या एस्टेब्लिशमेंट को दे रहा था? ये हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो लोग कहते हैं कि बैटिंग में तो आपने कुछ दिखाया नहीं है, फील्ड में तो जब आपके पास हुकूमत है कुछ किया नहीं है। जब यू आर बैक टू द पवेलियन, आप कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, सिक्स लगा दूंगा। पवेलियन में बैठ कर तो नहीं हो सकता ना। वंस यू आर आउट ऑफ गवर्नमेंट, यू लूज योर पावर। हो क्यों नहीं सकता डॉक्टर साहब? आपने देखा होगा कि अक्सर बहुत बेकार खिलाड़ी जो है तो पवेलियन में बैठ के बहुत अच्छे कोच बन जाते हैं। अच्छा, ठीक तो अगर ठीक उनसे 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 फील्ड में कुछ नहीं हो रहा होता तो वो कोच बन के तो वो कर पाते हैं जो कि वो बतौरे प्लेयर फील्ड में नहीं कर सकते। यानी तो फिर इसका ये मतलब, तनकीद करना तो बड़ा आसान काम है ना, तनकीद तो कोई भी कर सकता है। इस फिर इसको ये भी याद रखनी चाहिए, जब वो पहले लेकर ना कहता था यो मेरे टाइगर्स ऐसा करो, शेरों मेरे ये कर दो, उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था उसके सर पर, उसके शेरों के सर पर हाथ था। इस बार जाएंगे तो फेंटी नहीं फेंटा लगेगा, तो होश आ जाएगी उसको। आप लास्ट लास्ट बात टुवर्ड्स द एंड, आप कुछ कहना चाहें? डॉक्टर साहब, बस पाकिस्तान के हालात पे अब अल्लाह ही रहम करे, जब तक ये पॉलिसियां नहीं बदलते तो उस वक्त तक तो तरक्की के चांसेस नहीं है। अभी पॉलिसी का की बात यह है कि इमरान खान को जब जब आए थे तो आप समझे ये टीम टीम, तो कौन सी टीम है ये अपने साथ लेकर आए थे? कोई टीम नहीं थी। होना ये चाहिए था मार्शी पॉलिसियों में कि कोई ये नया प्लान लेकर आते, मसल ये कि मुल्क में कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर आते। ना इसके पास टीम थी, ना इसके पास अपना टैलेंट था एडमिनिस्ट्रेशन का, ये कोई तजर्बा नहीं था, ना टीम थी ना इसकी तैयारी थी। ठीक है जी, ये मेरी बगैर तैयारी के आए थे, नतीजा हमारे सामने है। ठीक है, तो बिल्कुल जनाब प्रोफेसर जाज प्राचा साहब को आपने सुना, इन्होंने बड़ी वजाहत से बातें की हैं। उन ये हो सकता है कि जो बातें इन्होंने कही हैं वो जो दूसरे तजिया नगार हैं उनसे मुख्तलिफ हूँ, लेकिन आपको भी काउंटर जो नैरेटिव है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इनकी बातों में कितना वजन है। और जो दूसरे लोगों ने कहा है उन्होंने अपने अपने लात और अपने अपनी समझ के मुताबिक कहा है। तो जाज प्राचा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड बहुत कंट्रीब्यूशन। शुक्रिया डॉक्टर। आई होप के इट गोज वेल एंड पीपल विल अप्रिशिएट इट। एंड इफ अगेन टुवर्ड्स द वेरी एंड, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए, डू नॉट हेजिटेट टू सब्सक्राइब। आई लीव इट एट दैट। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़।